हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। विषाणु जनित रोग जो वायरस के कारण उत्पन्न होते हैं उनमें एड्स जो हमारे WBC को प्रभावित करता है, और यह रोग HIV वायरस के द्वारा फैलता है। डेंगू यह हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और यह अरबो वायरस द्वारा प्रभावित करता है। पोलियो यह हमारे नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है, और यह पोलियो वायरस द्वारा फैलता है। इन्फ्लुएंजा यह रोग हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और यह मिक्सू वायरस द्वारा फैलता है। चेचक हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और वेरियोला वायरस द्वारा फैलता है। छोटी माता हमारे पूरे शरीर को ही प्रभावित करती है, और यह वेरिसेला वायरस द्वारा फैलता है। गलसोद या पैराथायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। खसरा हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है, और यह इसके फैलने का विषाणु है मोरबीली वायरस। पीलिया या यकृत को प्रभावित करता है। जब यकृत में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीलिया नामक रोग हो जाता है। रेबीज यह हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और यह रेबडो वायरस द्वारा फैलता है। जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग जो बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं उनमें टिटनेस जो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और यह क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। हैजा यह हमारे आँत को प्रभावित करता है, और यह विब्रियो कॉलरी जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। टाइफाइड यह भी हमारे आँत को प्रभावित करता है, और इसका जीवाणु है सल्मोनेलाई टाइफी। क्षय रोग यह फेफड़े को प्रभावित करता है, और इसका जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम। यह इस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। डिप्थीरिया यह हमारे श्वास नली को प्रभावित करता है, और कोरिनिली बैक्टीरियम इसका जीवाणु है जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। प्लेग प्लेग फेफड़े को प्रभावित करता है, और यह पास्टुरेला पेस्टिन जीवाणु द्वारा फैलता है। काली खांसी यह हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, और यह हीमोफिलस पर्ट्यूसिस जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। और कुछ जीवाणु परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं, उनमें मलेरिया जो हमारे RBC को प्रभावित करता है, और उसका फैलने का परजीवी है प्लाज्मोडियम, या इस परजीवी द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। पायरिया या मसूड़ों को प्रभावित करता है, और एंटी अमीबा जिंजे वेलिस नामक परजीवी द्वारा पायरिया रोग उत्पन्न होता है। पेचिस या हमारे आंत को प्रभावित करता है, और इसका परजीवी है एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका नामक परजीवी है जो पेचिस रोग उत्पन्न करता है। कालाजार या रोग हमारे अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, और इसका परजीवी का नाम है लिस्मेनिया डोनावानी। तो अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट है, एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं। कालाजार रोग का रोगाणु है। कालाजार रोग का रोगाणु लेस्मानिया है। निम्नलिखित में से किससे खसरा रोग होता है? तो खसरा रोग विषाणु वायरस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आँत प्रभावित होता है।
एडवर्ड जेनर ने किस रोग की टीका का खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? तो वायरस द्वारा पीलिया रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक कीटवाहित रोग नहीं है? तो कीट के द्वारा बेरी बेरी रोग नहीं होता है। एथलीट फूट नामक बीमारी किसके द्वारा होती है? तो यह रोग एथलीट फूट कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, कैंसर के रोग के उपचार में किस रेडियो एक्टिव पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के रोग के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक कौन है? पोलियो वैक्सीन के आविष्कारक जॉन ई साल्क है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।